हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनेजर रीबा को बताता है, उस दिन तुम्हारे घर में घुसकर जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था, उसे रीबिका ने भेजा था। ईवा समझ जाती है रीबिका को उस पर डाउट हो गया है। इसके बाद सभी मॉडल वर्ल्ड एजेंट के फैशन वीक के कंपटीशन के लिए कैंप पर वॉक करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ईवा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रीबिका भी उसे फॉलो करने लग जाती है। रुआन का असिस्टेंट उन्हें देख लेता है और ये बात रुआन को कॉल कर बता देता है। रीबिका ईवा को फॉलो करते हुए कैफे में पहुंचती है। मैनेजर रीबिका को देखकर उसे भी ज्वाइन करने को कहता है। रीबिका बोलती है, मुझे लगा ईवा की तबीयत खराब हो गई है इसलिए इसे फॉलो करने लग गई थी। ईवा बताती है, मुझे बस भूख लगी थी इसलिए यहाँ चली आई। और एक लड़की को अपनी ट्विन सिस्टर युआन बताकर उसे रीबिका से मिलवाती है। रीबिका बोलती है, पहले कभी मैंने तुम्हारी सिस्टर का नाम नहीं सुना। ईवा बोलती है, ये बात एक सीक्रेट है। रुआन को इस पर क्रश था हाई स्कूल से ही, यहाँ तक कि वो इसे अपनी फियांसे तक समझता था। रीबिका बोलती है, मैंने सुना है तुम रुआन के साथ एक ही घर में रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहन के प्यार के साथ एक घर में रहते हुए। तभी रुआन वहाँ जाता है और बताता है, युआन ने मुझे ईवा का ध्यान रखने को कहा था क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदमी उसके घर में घुस आया था। तीनों को ही पता होता है कि वो आदमी रूबिका ने ही भेजा था, इसलिए उसे देखने लग जाते हैं। रूबिका उनकी शक की आंखों को देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रीबिका को बिलीव नहीं होता ईवा के ट्विन सिस्टर वाली बात पर। ईवा रुआन के साथ अभी भी एक्टिंग कर रही होती है, ऐसे दिखाती है जैसे वो युआन नहीं है। युआन बोलता, ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता है। ईवा फटाफट से उस लड़की को लेकर अपने मैनेजर के साथ भाग रही होती है। मैनेजर ईवा को वहीं छोड़ देता है। युआन उसे पूछता है, कब तक मुझे ऐसे अवॉइड करती रहोगी। ईवा बोलती है, मैंने पास में बहुत पेन सहा है, दोबारा उनका सामना नहीं करना चाहती। ईवा ये कहकर चली जाती है। रीबिका रुआन से मिलने उसके ऑफिस में आती है। असिस्टेंट उसे वेट करने को कहकर केबिन में बिठाकर चला जाता है। पीछे से रीबिका रुआन के लोकर का पासवर्ड खोल लेती है और उसमें उसे ईवा की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे उसे ईवा का सच पता चल जाता है। ईवा बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही होती है। रीबिका भी वहाँ जाती है और उसे बोलती है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है, तुम ही युआन हो वो फैटी गर्ल। ईवा बोलती है, तुम क्या चाहती हो मुझसे। रीबिका बोलती है, वर्ल्ड एंजल के फैशन वीक कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लो। ईवा बोलती है, वो मेरा ड्रीम है, मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकती। रीबिका बोलती है, तो रुआन को छोड़ दो। ईवा पूछती है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। रीबिका बोलती है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम डिसाइड कर लो करियर चाहिए या लव, और ये डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास कल तक का समय है, नहीं तो उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगी मुझे क्या करना है। ईवा अपने मैनेजर को ये सारी बातें बता देती है। मैनेजर उसे बोलता है, तुम्हें करियर को ही चूज करना चाहिए, तुमने 10 साल इसके लिए मेहनत की है। लेकिन ईवा कंफ्यूज होती है क्योंकि वो रुआन को नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद ईवा को भूख लग रही होती है, रुआन अभी तक घर वापस नहीं आया होता। ईवा डिसाइड करती है, अगर वो 10 सेकंड में नहीं आया तो मैं उसे छोड़ दूंगी, जब वो मेरे लिए खाना नहीं बना सकता तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड बीत जाते हैं, रुआन घर नहीं आता। नेक्स्ट डे ईवा रीबिका के पास आकर बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे करियर चाहिए, रुआन को रखो अपने पास। रुआन घर आता है, उसे ईवा का नोट मिलता है, वो घर छोड़कर चली गई है। रुआन ईवा के मैनेजर के पास आकर पूछता है, क्या वो तुम्हारे साथ रह रही है। मैनेजर बोलता है, हाँ। रुआन पूछता है, क्या वो फिर से किसी मुसीबत में है। मैनेजर बोलता है, वो सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो सब कुछ फिक्स करने में लगी है। रुआन को पीआर डायरेक्टर से पता चलता है, रीबिका ईवा से मिलने बॉक्सिंग क्लब में गई थी। रुआन समझ जाता है रीबिका ने ही कुछ किया होगा। रुआन रीबिका को आकर बोलता है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो ईवा को परेशान क्यों कर रही हो। रीबिका बोलती है, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, उसने तुम्हें छोड़कर अपने करियर को चूज किया, की लाइफ में तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। रुआन बोलता है, नहीं है तो मैं बना लूंगा, पर तुम हम दोनों के बीच मत आओ। रुआन ये कहकर चला जाता है। रीबिका को बहुत ही गुस्सा आता है। ईवा का मैनेजर उसे रुआन और रीबिका का डाटा देता है। रीबिका कॉलेज टाइम से ही रुआन को पसंद करती थी और कई बार उसे प्रपोज भी कर चुकी है, लेकिन रुआन ने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया। ईवा बोलती है, इसका मतलब वो अभी तक मेरा वेट कर रहा है। सोचकर ईवा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट डे रीबिका और ईवा की जेरोन के साथ मीटिंग होती है। जेरोन ईवा से पूछता है, तुम्हें कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। रीबिका ईवा को बोलती है, सच बोलना, ये वर्ल्ड एंजल की रेपुटेशन का सवाल है। ईवा घबरा जाती है और बोलती है, मैं इस कॉम्पिटिशन से विड्रॉ करना चाहती हूँ हेल्थ इश्यू की वजह से। रीबिका खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ईवा बैठ कर रो रही होती है, उसने खुद अपने हाथों से अपना सपना तोड़ लिया। मैनेजर बोलता है, अभी तक जेरोन ने तुम्हें एलिमिनेट नहीं किया है,
इसलिए शो की कॉन्टेस्ट लिस्ट निकलने तक का वेट करो, मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा। ईवा ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ईवा का शूट चल रहा होता है, रुआन वहाँ खाना लेकर आता है। ईवा खुश हो जाती है, उसे लगता है रुआन उसके लिए लाया है, लेकिन रुआन खाना मैनेजर को सर्व करता है। ईवा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रुआन को हंसी आ रही होती है। मैनेजर ईवा को बताता है, मुझे रिबिका का एक सीक्रेट पता चला है, उसकी एक हिडन डॉटर है तो जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। हम रिबिका को उसके सीक्रेट से ब्लैकमेल कर सकते हैं। ईवा मना कर देती है, मैं अपना काम निकालने के लिए एक छोटी सी बच्ची की फीलिंग के साथ नहीं खेलूंगी। ईवा काम से घर लौट रही होती है, रास्ते में उसे रुआन का असिस्टेंट मिल जाता है। इसके बाद ईवा सीधा शिप पर होती है रुआन के साथ। रुआन ने उसके लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाया होता है, ईवा को पसंद आता है। रुआन पूछता है, तुम मुझे अवॉइड रिबिका की वजह से कर रही हो ना? ईवा पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या है? रुआन बताता है, कुछ नहीं है, हम बस कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वो मुझे लाइक करती है पर मैं नहीं करता। ईवा पूछती है, क्या तुम कंफर्म हो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं? रुआन बोलता है, मैं श्योर हूँ। इसके बाद रुआन ईवा को अपना लव कन्फेस करता है, जिसे ईवा एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों का किस चल रहा होता है, तभी रुआन को एक कॉल आता है। कॉल कटने के बाद रुआन बोलता है, हमें वापस जाना होगा। ईवा घर जा रही होती है, उसे रिबिका का कॉल आता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी बेटी के बारे में पता चल गया है, और अगर तुम जानना चाहती हो उसका फादर कौन है तो बोर्डिंग स्कूल में आ जाओ। ईवा स्कूल पहुंच जाती है, जहां उसे उसकी बेटी के साथ रुआन भी दिखता है। ईवा शो को जाती है। इसके बाद ईवा अपने मैनेजर को रोते हुए बता रही होती है कि युआन की ऑलरेडी बेटी है, उसके बावजूद वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैनेजर पूछता है, उसके बच्चे की मदर कौन है? ईवा बताती है, और कोई नहीं, वो चुड़ैल रिबिका ही है। मैनेजर ये सुनकर शॉक हो जाता है। नेक्स्ट रिबिका ईवा को बताती है, मैं रुआन के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, रुआन के दिल में हमेशा से तुम थी, इसलिए उसने कभी मुझे और मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया। प्लीज उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। ईवा बोलती है, आज के बाद मेरा उस रुआन से कोई लेना देना नहीं। रिबिका बोलती है, एक फेवर और कर देना, रुआन को इन सब के बारे में मत बताना, नहीं तो मैं उसकी नजरों में और बुरी बन जाऊंगी। ईवा मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। रुआन ईवा को कॉल करता है, ईवा नहीं उठाती तो उसे मिलने आ रहा होता है। रास्ते में रुआन को ईवा दिख जाती है, रुआन उसके पास आता है और उसे कार में बैठने को कहता है। तेज बारिश हो रही है, भीग जाओगी। ईवा बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं दोबारा तुम्हें मुझे हर्ट नहीं करने दूंगी। रुआन पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ईवा बोलती है, अब से हमारा ब्रेकअप। रुआन बोलता है, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया है? रुआन बोलता है, मुझे यकीन है कुछ हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ईवा बताती है, मैं तुमसे रिवेंज ले रही थी, तुम्हें अपने प्यार में डालकर तुम्हें डंप करने का मेरा प्लान था। रुआन बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। ईवा बोलती है, मत मानो, और चली जाती है। इसके बाद रुआन को पीआर डायरेक्टर से पता चलता है, ईवा ने वर्ल्ड एंजल के फैशन वीक कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लिया है, हेल्थ प्रॉब्लम का बहाना बनाकर। रुआन ईवा से इस बारे में बात करने आता है, लेकिन ईवा उससे बड़ी रूडली बात करती है, तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने जो कल तुम्हें समझाया मुझसे दूर रहो। ये सुनकर रुआन बोलता है, मेरे घर आकर अपना सामान ले जाओ। ईवा घर आती है और अपने सामान को देख कर बोलती है, तुमने इनकी क्या हालत कर दी है? रुआन बोलता है, पाइप लीक हो गया था, मैं क्या करता? ईवा बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पैसे बनते हैं मुझे दे दो, अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ, मुझे दूसरा घर खरीदना है। रुआन बोलता है, मेरा बिजनेस आजकल ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, और किसी तरीके से पे करवाना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। ईवा बोलती है, मुझे पैसे ही चाहिए। रुआन बोलता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, मैं 20% सैलरी बढ़ा दूंगा। ईवा बोलती है, अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और अब 20% दे रहे हो, क्या मुझे फूल समझा है? तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। रुआन बोलता है, कैसे करोगी, तुमने तो फैशन वीक के कॉम्पिटिशन से विड्रॉ भी कर लिया है। ईवा बोलती है, तुम्हें उससे क्या मतलब? रुआन बोलता है, तुम अपने ड्रीम और लव दोनों का सेक्रीफाइस कर रही हो, मुझे वो वजह जानी है जिस वजह से तुम ये सब कर रही हो। ईवा नहीं बताती। नेक्स्ट डे ईवा वर्ल्ड एंजल का एक लाइव इंटरव्यू अटेंड करने आती है। रुआन को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुआन बोलते, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, सेम फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं। ईवा पूछती है, तुम तो कह रहे थे मेरे लिए नहीं आए। रुआन बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करता रहूंगा। रिबिका की बेटी उसी बिल्डिंग में आने की कोशिश करती है, गार्ड्स उसे नहीं जाने देते। ईवा का मैनेजर उसे देखकर पहचान लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले आता है। वो बच्ची उसे काट कर रिबिका से मिलने भाग रही होती है। रिबिका ईवा के पानी वाले ग्लास में ज्यादा कैलोरीज वाला पाउडर मिला देती है। इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है।
इंटरव्यू के बीच में हिवा पानी पी लेती है और फिर से वो मोटी होने लग जाती है। टुआन ये सब देख लेता है और लाइट स्विच ऑफ कर देता है। दीपिका हिवा को वहाँ से जाने से रोकती है। हिवा उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में आ जाती है। दीपिका की बेटी हिवा को देख लेती है। हिवा कपड़े चेंज कर बाहर आती है। वो बच्ची उसे मुंह से समझ कर वहाँ से भाग जाती है। हिवा उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है। दूसरी ओर लाइट ऑन हो जाती है। इंटरव्यू फिर से स्टार्ट होता है। दीपिका इंटरव्यू दे रही होती है, तभी उसकी बेटी उसके पास आकर उसे मम्मी बोल देती है। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। दीपिका इसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसकी बेटी नहीं है। हिवा ये देखकर वहाँ आती है और सभी को बताती है ये मेरी बेटी है, गलती से दीपिका को मदर बोल रही है। हिवा उसे उठाकर बाहर ले आती है। वो बच्ची बोलती है आप मुझे खाना मत। हिवा बोलती है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझसे डरो मत। तभी रुआन भी वहाँ आ जाता है। वो बच्ची उसे अपना डैड बुलाती है। हिवा बोलती है तुम्हें अपनी बच्ची का ध्यान रखना चाहिए, कैसे फादर हो तुम। रुआन उसकी गर्ल फैमिली को दूर करने ही वाला होता है कि तभी मैनेजर उसे आकर हिट कर देता है और रुआन बेहोश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।